नवाज शरीफ और जो अपनी बेटी मरियम का विआह अपनी मर्जी नाल नहीं सी कर सकते इंशाल्लाह ताला इन्हां नूं कसीण कसूर के ना इन्हां गंदे बच्चों नूं इलेक्शन वाले पासे तुसीं पढ़ाई नहीं कीती ओ तुसीं चोरियां चकारियां करोड़ां दे गिरदारां दे गलां दे विच रस्से पाई लोग नूं इह कहणगे क्योंकि उहदा बाप इक चोर है पाकिस्तान का गिरदार है दी नानी दे मत्थे ते जिहड़ा दाग है ना वह बड़ा गंदा दाग है वह दाग कदी भी प्लास्टिक सर्जरी नाल फिर आ गया जे ओए पाकिस्तान नूं खा गया जे कहांगा ओए पटवारियो ओए तुहाडा कीड़ा मरिया कि नहीं मरिया पटवारियो और जिहड़ा शेर दिल इंसान हुंदा ना ओए अपने घर ही रहिंदा ओए अपना घर छाको। मैं हूँ शहजादा वान और आप देख रहे हैं एसे टीवी। अभी मैं जमान पार्क में मौजूद हूँ, खान साहब के टाइगर्स भी यहाँ पे 26-27 दिन से मौजूद हैं। अभी कुछ खबरें मिल रही हैं खान साहब यहाँ से जाने वाले इस्लामाबाद हैं, इनसे पूछेंगे क्या ये इस फैसले से खुश हैं या ये उदास हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, नाम दाड़ा? मेरा नाम जुल्फकार अली चुबारिया। की गल है, क्रिकेट खेलन आए हो? सर खान साहब की मोहब्बत बनाया, खान साहब भी क्रिकेट खेलते हैं तो मैं क्या जी मैं भी एक कोई इस तरह की सैटिंग करा कि जी क्रिकेट टाइप की हो जाए। खिलाड़ी ने नाल सर यह भी मैं भी खान साहब ना मोहब्बत आया, मैं ये भी उसकी मोहब्बत आए ने। सर मैं दसना खान साहब का इरादा लग रहा है इस्लामाबाद जाने का, तुम खुश हो इस फैसले को? नहीं, इस गल तो असं बिल्कुल नहीं खुश है, लेकिन पटवारी कहते हैं जी खान साहब अपने घर घर के ही रेंदे ने, लेकिन मैं ये गल दसना चाहना वा वो पटवारियो और जिहड़ा शेर दिल इंसान हुंदा ना वह अपने घर ही रहिंदा, वह अपना घर छड्ड के वह कदी लंदन नहीं भज्जेगा, वह अपने घर ही रहेगा, अपने मैदान दे विच रह के पूरी दुनिया के चोर गिरदार कातल और जिहड़े मेरे नबी पाक के गुस्ताख ने उन्होंने डट के खड़ा होएगा तो उन्होंने बहादुरी ना जंग लड़ेगा तो उन्होंने सारियां नूं तुंड के रखेगा। सर मैनू यह दसना, महंगाई मार्च जिहड़ा कीता गया सी लास्ट 9 महीने पहले उस टाइम पेट्रोल से 150 रुपया, आज ये पेट्रोल 272 रुपये, की कहना चाहोगे? सर एकदम तलक मैं यही कहांगा ओए पटवारियो ओए ताड़ा कीड़ा मरिया कि नहीं मरिया, और जरा बड़ा ही भुड़कदा सी तुसी ए ही कहंदे हो ना कि शेर आ गया, वो शेर आ गया जे ओए पाकिस्तान नू खा गया जे ओए पाकिस्तान दे अंदर फैक्ट्रियां बंद हो गई जे ओ महंगाई का तूफान आ गया जे ओए बेरोजगारी हो गई है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, बत्ती बहुत महंगी हो गई है, गैस बहुत महंगी हो गई है, ओए पटवारियो ओए तुसी भुखे ही मरना और नाल आवाम नू भी भुखिया मारना। उस टाइम मरियम नवाज कहती सी जब खान साहब की हुकूमत दे विच ना 2-3 रुपये पेट्रोल वधा सी मेरे बाबा नू नींद नहीं आती। ओए पटवारियो ओए मैं एक मेरी गल सुन लो, ओए ताड़ी नानी कदी लीडर नहीं बन सकती, ओए ताड़ी नानी दे मत्थे ते जड़ा दाग है ना वो बड़ा गंदा दाग है, वो दाग कदी भी प्लास्टिक सर्जरी नाल साफ नहीं हो सकता, और जिते भी जाएगी लोग उन्हें यही कहेंगे क्योंकि उसका बाप एक चोर है पाकिस्तान का गिरदार है, पाकिस्तान के अंदर वो प्लेटा घस गई सी और बाहर जाके बगैरत ने डोंगे पाले, और जिते भी जाएगी लोग एक ही नारा लगेगा मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के पापा चोर हैं, चोर 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 दे नारे लगनगे। अच्छा सर मैनू दसो, अज तो 5-6 दिन पहले जो पेट्रोल वध्या उस तो अगले दिन मरियम कहती कि मेरा इस हुकूमत का कोई लेना देना नहीं, खान साहब की गिरफ्तारी की गल हो, खान साहब से कोई अटैक करना हो, कोई भी अहकाम जारी करने हो तो मरियम नवाज जी हुकूमत होंगी है, ये तो की कहोगे तुम? सर जो देखो इन्हों की यही मसला है कि यह जी है ना शतरंज वाला हिसाब है इन्हों का, इन्हों की कभी कोई गल करते हैं कभी कोई गल करते हैं, हूँ यदा सका चाचा है वह भी चोर, प्यो भी चोर, सारा टब्बर ही चोर, यह चोरों ने जोड़ा ना जो भी गल करनी इन्ह ने चवला ही मारनी है, इन्होंने जोड़ा ना कभी भी खर्चा ही मारनी है, गलबात ना सही करनी करनी, लेकिन यह जोड़े है ना तो इलैक्शन का जोड़ा मामला है वह इंशाला तला इलैक्शन जरूर हो गए, खान साहब ने इन चोरों के गिरदारा के गलों के विच रस्से पाए ने, खान साहब इन्हां नूं घसीड़दे ने, ओए गंदे बच्चो ओए तुसी पेपर नहीं दिते, तुसी पढ़ाई नहीं कीती, ओए तुसी चोरियां चकारियां करदे रहे हो, ओए इलैक्शन कराओ ओए इलैक्शन वाले पासे आओ, यह गंदे बच्चे जिहड़े आ ना इलैक्शन वाले पासे नहीं आ रहे, जो खान साहब इन्हां नूं घसीड़दे ने ना राह दे विच लेटनियां लैन लग पैंदे ने, अगर इन्हां नूं राह दे विच कोई खंभा लभ जाए तो खंभे दे नाल चंबड़ जांदे ने, एडे गंदे ने, अगर इन्हां नूं राह च कोई खोती लभ जाए तो
खोती भी चंबड़ जाते हैं, लेकिन खान साहब इंशाला तला इन्हों घसीड़ घसूड़ के ना इन्ह गंदे बच्चों इलेक्शन आए पास लै जाएंगे। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान सुनाओ लाद बारे की कहोगे। तेरे जान नसर बेशुमार बेशुमार, तेरे जान नसर बेशुमार बेशुमार। राणा सनाला ओए मैं तेनू ऐ दसना चाहना, ओए पाकिस्तानी जड़ी वाम है ना ओए तेनू लभ रही है, और जदों भी तू पाकिस्तानी वाम दे विच आएगा ना ए पाकिस्तानी जड़ी कौम है ना ए तेनू वोट नहीं पाएगी, ए तेनू छित्तर मारेगी, ओए इन्ने छित्तर मारेगी कि तेरे वाल जड़े आ ना सिर दे ते मुछां दे च मार मार के छित्तर झाड़ देगी और तेनू गंदे आंडे ही वजणगे। बस मैं तेनू ऐ कहना चाहना अखीर तेरा जड़ा ना अंजाम जड़ा ना ऐ होएगा। खान साहब ही कह रहे हैं कि हूँ मैं इन्हों छड़ांगा नहीं। देखो जी मैं देखिया कि ए पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं हैगा, ए देखो जदों दी इन्हां चोरां गिरदारां दी हुकूमत आई है ए कानून शिकन ने ए कानून तोड़दे पे ने, ए मैं देखिया कि ए ना तो जिहड़ा ना अदालतां दे कानून नूं मानदे पे ने ते ना सदर दे कानून नूं मानदे पे ने। इन्हां दे विच खान साहब दे विच मैं एक चीज़ देखी है, खान साहब कहिंदे ने जी मैं मेरी जदों हुकूमत आएगी मैं कानून दे मुताबक चलांगा, और जदों ए लोग कानून दे मुताबक नहीं चलदे ते तुसीं कानून दे मुताबक चलोगे ते इन्हां दा की करोगे। इन्हां दा इलाज यही हैगा कि जिन्नी देर पाकिस्तान पाकिस्तान के चोर गिरदार कातल जिहड़े मेरे प्यारे पाकिस्तान के दुश्मन ने, अगर इन्होंने 400-500 बंदा जिन्नी देर इन्हों लटकाया नहीं जाएगा यह कभी निज़ाम यह कभी सिस्टम कभी बेहतर नहीं हो सकता। सर खान साहब के 3 साल दौरे हुकूमत में बहुत अच्छे काम हुए, जिद सेहत कार्ड और बाद गरीबा से खाने की और होम शेल्टर होम, हूँ तुम की चाहोगे खान साहब की हुकूमत है तो ऐसे कि काम ने जो खान साहब करने चाहिए ने। सर मैं देखिया कि यह जरा ना इमरान खान साहब का यह जरा लंगरखाना मुसाफरखाना पनाहगा गरीबां नूं यह सोचना कि गरीब लोग जड़े ने ना रोटी खा सकन, यह जरा ना कुरान मजीद दे विच रोटी गरीबां नूं खवाना इहदा बड़ा वड्डा सबाब है। खान साहब ने यह काम बड़ा अच्छा शुरू किया, लेकिन मैनूं पता लगा कि यह चोरां दी जदों दी हुकूमत आई है इन्हां पार्लीमेंट दे विच इन्हां ने जरा ना लंगरखाने पनाहगा और मुसाफरखाने सिस्टम बंद करता है, यह लोग जड़े ने इस दुनिया से भी जलील होंगे और मरण तो बाद दोजख च जाएंगे। मैं देखिया कि खान साहब ने जड़ा हेल्थ कार्ड शुरू किया, मैं देखिया पाकिस्तान के गरीब लोग घर ही मर जाते हैं, उन्होंने को पैसे नहीं सी होंगे कि वो अपना इलाज करा सकन, लेकिन खान साहब ने 10 to 12 lakh का इलाज शुरू करता पाकिस्तान के प्राइवेट अस्पतालों के महंगे तो महंगे अस्पतालों के लोग अपना इलाज करवा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के चोर गिरदार कातल यह गंदियां की हुकूमत आई है इन्होंने हेल्थ कार्ड भी बंद करता। मैं इन्हों दसना चाहना अगर इस दुनिया से तुम जुलम किया ना इस दुनिया से तुम कभी इज्जत नहीं मिलेगी, इस दुनिया से जलीलो खुआर होवोगे और मरण तो बाद दोजक से जाओगे, तुम गरीबा का जरा ना गरीबा नाल बहुत वड्डी नाइंसाफी की है। सर और कोई आखिरी पैगाम देना चाहोगे? सर मैं एक पाकिस्तानी कौम नूं दवांगा कि अज टाइम है खान साहब की हमायत करो जिथों तक भी हो सकता, बाहर आओ इत्थे जमान पार्क दे विच मैं देखिया अगर इत्थे असीं आने मैं देखिया कि अज 2 महीने हो गए ने यह जिहड़ा ना खान साहब का जिहड़ा ना मेला लगा है, और मैं देखिया कि इत्थे अज भी जदों असीं आने वन सवनियां दावतां मिलदियां, कोई बंदा इत्थे चाह पिया रहा, कोई इत्थे हलवा पूड़ी खवा रहा, कोई भटूरे बना रहा, बिरयानी लभदी कि नहीं लभदी? साहब हिसाब लाया कि इत्थे बिरयानी भी माशाल्लाह लभ जांदी है, तुसीं आया करो इत्थे रौनक मेला लाया करो, क्योंकि नेक आदमी है नेक जिहड़े अच्छे लोग काम करते हैं उन्होंने घर के अगे अल्लाह तला जरा ना रौनक मेले लाज दिता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जरा फैसला है ना वो नवाज शरीफ करेगा, ओए पटवारीओ ओए नवाज शरीफ और जदों अपनी बेटी मरियम का विह अपनी मर्जी नाल नहीं सी कर सकिया इलेक्शन का फैसला घटा कराएगा।